हैं जहां दो बेचारे बिना सहारे। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो चुनावी सरगर्मियां तेज हैं और चुनावी साल में भाजपा हो या फिर कांग्रेस नेता हैं एक दूसरे पर वार पलटवार करते हैं। नागदा में कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे थे बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय। बिना नाम लिए कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर उन्होंने तंज कसा। उन्होंने फिल्म विक्टोरिया नंबर 203 के गाने का उदाहरण दिया, कांग्रेस पर निशाना साधा। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि एक फिल्म का गाना है कि दो बेचारे बिना सहारे घूम रहे हैं मारे मारे। इसके अलावा विजयवर्गीय ने भी कहा कि कमलनाथ और दिग्विजय के जीवन का ये अंतिम चुनाव है, इसलिए कुछ भी घोषणाएं करते घूम रहे हैं। इतना ही नहीं, कैलाश विजयवर्गीय ने विपक्ष के नेताओं की एकजुटता पर भी निशाना साधा और ये कहा कि पीएम मोदी को हराने के लिए सारे सांप और नेवले एक जगह दिखाई दे रहे हैं। साइक्लोन आया, बाढ़ आई, बाढ़ के अंदर एक छत पर देखा बिल्ली और चूहा दोनों पास पास बैठे हुए, कुत्ता भी वहीं बैठा हुआ है, नेवला भी वहीं बैठा हुआ, सांप भी वहीं बैठा हुआ। नीचे बाढ़ आ रही, सब अपनी जान बचाने के लिए एक दुश्मन छत पे इकट्ठे हो। ऐसे ही मोदी जी को हराने के लिए सारे सांप नेवले एक होने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि भारत की जनता उनके साथ। तो भारत की जनता उनके साथ है, ये सुना आपने कैलाश विजयवर्गीय क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं। उन्होंने बिना नाम लिए पीसीसी चीफ कमलनाथ और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा है और ये कहा कि दो बेचारे बिना सहारे बिन ताले की चाबी लेकर फिरते हैं मारे मारे। वहीं विपक्ष को भी उन्होंने सांप और नेवला की संज्ञा दे दी। हालांकि इसके पहले भी कई बार कैलाश विजयवर्गीय कुछ ना कुछ इस तरह से बयान देते रहे हैं और कई बार कांग्रेस ने उन पर निशाना भी साधा है। तो उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए प्रदेश के दोनों पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को इसके पहले आपको याद होगा कि 75-75 साल का बूढ़ा भी करार दिया था और जब इस तरह के बयान कैलाश विजयवर्गीय ने दिए थे उस समय कांग्रेस ने भी निशाना साधा था। तो कांग्रेस प्रवक्ता नूरी खान थी उस वक्त, उन्होंने कहा ट्वीट कर कैलाश विजयवर्गीय को पशु तुल्य भी कह दिया था। यानी बीजेपी कांग्रेस को अगर देखें तो आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ एक दूसरे पर छींटाकशी और एक दूसरे पर इस तरह की विवादित टिप्पणी करना शगर बन चुका है। तो कमलनाथ जब चलते हैं, ये भी एक बार कहा था कैलाश विजयवर्गीय ने, आपको याद होगा कि एक बार कमलनाथ जी जब चलते हैं तो उनका वीडियो निकाल लेना और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब चलते हैं तो उनका भी वीडियो निकाल लेना और फिर दोनों को देखना, स्पीड का पता चल जाएगा। हालांकि बिना नाम लिए इस तरह से बयानबाजी करते हुए कैलाश विजयवर्गीय नजर आए। तो भाजपा महासचिव हैं कैलाश विजयवर्गीय, पहला मौका नहीं, इसके पहले भी कई बार इस तरह से उन्होंने टिप्पणी की है। तो बिना नाम लिए इस बार उन्होंने कहा कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा और ये कहा कि बिन दो बेचारे बिना सहारे एक फिल्म का डायलॉग है, एक फिल्म का गाना है, जिस फिल्म के गाने को लेकर उन्होंने तंज कसा भरे सम्मेलन में, भरी सभा में। इस तरह से उन्होंने कहा कि बिन सहारे बिन ताले की चाबी लेकर फिरते हैं मारे मारे। और वहीं सांप और नेवला से विपक्ष की तुलना भी उन्होंने कर दी। और इसी विषय पर बातचीत करेंगे, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता स्वदेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। स्वदेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INH 24/7 पर। और जिस तरह से अगर हम बात करें भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बयान, यदा कदा हमेशा कुछ ना कुछ कहते हुए नजर आए और इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही कह दिया, एक फिल्म के गाने को लेकर तंज कस दिया दोनों ही मुख्यमंत्रियों पर, क्या कहेंगे आप? देखिए, माननीय कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल हाथिए पर है क्योंकि भाजपा शिवराज महाराज और नाराज तीन गुटों में बैठ चुकी है। तो नाराज गुट का नेतृत्व कर रहे हैं विजयवर्गीय साहब। विजयवर्गीय साहब दिग्विजय सिंह जी की इतनी इज्जत करते हैं, इतना आदर करते हैं, लेकिन मीडिया पर बने रहने के लिए उनके खिलाफ इस तरह का बयान किया जाना दिया जाना, मैं समझता हूँ ये सिर्फ मीडिया में चर्चा में रहने के लिए उन्होंने कहा है। सच्चाई इसके बिल्कुल इस तरह, वो इतना आदर करते हैं दिग्विजय सिंह जी का, पूरे प्रदेश को पता है इस मामले में कि कितनी इज्जत करते हैं उनकी वो। राज्यसभा अभी इन्होंने कमलनाथ जी के लिए जो कहा तो ये बौखलाहट घबराहट भाजपा की साफ दिखाई दे रही है। 150+ सीटें कांग्रेस की मध्य प्रदेश में आ रही है, जिस तरह से कर्नाटक का फाटक बंद हो गया भाजपा का, मैं समझता हूँ हिमाचल में कांग्रेस आ गई, मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश में 150+ पार, बिल्कुल 150 के पार ही आ रहे हैं सीटें कांग्रेस की।
और माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। इस सर्वे से घबरा के मारे भाजपा के सारे नेता, चाहे विजयवर्गीय साहब हो, माननीय गृहमंत्री जी हो, चाहे इनकी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो सांसद है भोपाल की, चाहे वो हो, चाहे इनके एक विधायक है रामेश्वर शर्मा, ये सब इसी तरह के बयान देते हैं ताकि मीडिया में इनकी चर्चा हो, इस पर डिबेट हो, ताकि वो उनकी राजनीति जिंदा बनी रहे। जी स्वदेश जी, लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कांग्रेस के भी अगर हम कई बार बयान देखें, वो भी इस तरह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगता है, एक दूसरे पर छींटाकशी करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में अगर पुराने महान लोगों को देखें, महान राजनीतिज्ञों को देखें, तो उनके बयान और आपके बयानों में आपको नहीं लगता कि बड़ा अंतर है? क्योंकि कैसे स्थापित हो पाएगा आदर्श जो हम जिसकी कल्पना करना चाहते हैं, लोगों के बीच मैसेज देने की कोशिश करते हैं, आपको नहीं लगता वो नहीं हो पाएगा? आपके दिमाग में सही, आपके जहन में बहुत सही विचार आया है। वो राजनीति दूसरी हुआ करती थी। वो राजनीति मैं समझता हूँ नेहरू जी ने की, लाल बहादुर शास्त्री ने की, इंदिरा जी ने की, राजीव जी ने की, और यहाँ तक कि भाजपा के अटल बिहारी वाजपेयी तक ने की। लेकिन अब जो दौर चला है, जब से मोदी जी आए हैं, मैं समझता हूँ ये राजनीति का सबसे निचले स्तर का दौर शुरू किया उन्होंने। मैं इसका अंत होना चाहिए, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी इस दौर को समाप्त करेगी और नए सूर्य का उदय होगा राजनीति में। ठीक है, नए सूर्य का उदय होगा या नहीं ये तो देखना होगा। लेकिन हमारे साथ इसी विषय पर बातचीत करेंगे नरेंद्र सलूजा जी, जुड़ चुके हैं बीजेपी के प्रवक्ता हैं। नरेंद्र जी, आपसे सवाल कि आखिरकार क्या हो जाता है भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को? कुछ ना कुछ कह ही देते हैं। इसके पहले भी कई बार उन्होंने दिग्विजय सिंह कमलनाथ के लिए कुछ ना कुछ कहा है, बूढ़ा तक उन्हें करार दे दिया, महिलाओं को कई बार सूर्पनखा कह देते हैं, क्या हो जाता है उनको? देखिए, कैलाश विजयवर्गीय जी ने क्या कहा उनका बयान तो मैंने सुना नहीं, आपके टीवी चैनल के माध्यम से। मैं आपको सुना देती हूँ, अपने पैनल से कहती हूँ कि आपको वो एक बार वीडियो सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय जी। साइक्लोन आया, बाढ़ के अंदर एक छत पर देखा बिजली और चूहा जरूर पास पास बैठे, कुत्ता भी वहीं बैठा हुआ है, नेवला भी वहीं बैठा हुआ, सांप भी वहीं बैठा हुआ, नीचे बाढ़ आ रही, सब अपनी जान बचाने के लिए एक दुश्मन छत पे इकट्ठे हो। ऐसे ही मोदी जी को हराने के लिए सारे सांप नेवले एक होने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि भारत की जनता उनके साथ। तो सुना आपने, नरेंद्र जी कह रहे हैं कि पूर्व सीएम कमलनाथ और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के लिए उन्होंने कहा, पहले तो ये कहा कि दो बेचारे बिना सहारे बिन ताले की चाबी लेकर फिरते हैं मारे मारे, सांप और नेवला विपक्ष को करार दिया, क्या कहेंगे? देखिए, आपने बयान तो उनका सुना है लेकिन आवाज गुंजरी थी सुन नहीं पाए, लेकिन जो आपने बताया, देखिए वो उनका निजी विचार है, उन्होंने उनके बारे में जो कहा, लेकिन यह तो सही लाइन कही है कि दोनों बेचारे बिना सहारे, आप देखे ना क्या स्थिति हो गई है, 76 के सत्ता के लिए किस हद तक, मतलब जो युवाओं को उम्र है उनकी रिटायरमेंट लेना चाहिए, युवाओं को बागडोर सौंपना चाहिए, उसको छोड़ के दोनों पूरी पार्टी चुनौती दे रही, पूरी पार्टी कह रही कि हमारे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है, रोज उनके नेतृत्व को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन सत्ता डोलुपता इतनी है कि अभी भी पद नहीं छोड़ रहे, अभी भी पद से चुपके हुए। हमने जबलपुर का घटनाक्रम भी देखा, कई ऐसे वीडियो आए कमलनाथ जी के जो उनकी उम्र को दिखा रहे थे। आप कुछ काउंटर करेंगे नरेंद्र जी का? क्योंकि कहा जाता है राजनीति में कि एज जैसे जैसे बढ़ती जाएगी एक्सपीरियंस वैसे वैसे बढ़ता भी चला जाएगा, लेकिन जिस तरह से नरेंद्र जी कह रहे हैं। जी स्वदेश जी, स्वदेश जी से संपर्क टूट चुका है और नरेंद्र जी जिस तरह से हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी बातचीत करने के लिए। तो उन्होंने कहा है कि वो सपोर्ट कर रहे हैं एक तरह से उनका, कि जो भी कुछ उन्होंने कहा है वो सही कहा।